नमस्ते बालाजी हिंदी चैनल में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, मतलब क्या वो एक्शन लेंगे और यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। आपकी लाइक शेयर एंड कॉमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें पसंद भी कर रहे हो, अपना आशीर्वाद प्यार हमें दे रहे हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में। नाइट ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। आपके पर्सन जो है वो पहले बहुत जल्दबाजी में कुछ करना चाहते थे लेकिन आप लोगों के बीच मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा हुआ है और इस लड़ाई झगड़े में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और वो अभी जिस लड़ाई झगड़े के कारण आप लोगों में एक अलगाव आया है या फिर कुछ परेशानी है तो वो इस चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में हमेशा उस पुरानी लड़ाई झगड़े की बातें घूम रहा है। उनको लगता है कि पहले जो परेशानी थी उस परेशानी को ख़त्म करना होगा, फिर लड़ाई झगड़े की जो बात है, जो पहले जो लड़ाई झगड़े के कारण आप लोगों में अगर रिश्ते में कोई परेशानी आया है तो वो उस चीज़ों को याद कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में चीज़ों को उनको पता नहीं लगा, उनको समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे लड़ाई झगड़ा हो गया। वो चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पा रहे थे इसीलिए उनको लगता है अभी वो रिश्ते को, आप लोगों का रिश्ता जैसा था वैसा ही है, ना आगे ना पीछे। तो अभी वो सोच रहे कि ये पुरानी परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को और एक नए नज़रिए से देखा जाए। अगर रिश्ते को वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं तो रिश्ते में नई शुरुआत करना भी वो चाहते हैं। अभी देखते हैं आपकी करेंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपकी करेंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में। तो इन 72 घंटे में वो पुरानी लड़ाई झगड़े को अपने दिमाग में घुमा रहा है और वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया और इस कारण का जो आपके साथ जो रिश्ता था वो एकदम ख़राब हो गया। इसीलिए वो रिश्ते को और एक नज़रिए से देखना चाहते हैं और लड़ाई झगड़े की बात जो है वो उनके दिमाग में अभी भी घूम रहा है। इसीलिए रिश्ता जहाँ था वहाँ ही है, वो कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए। अभी देखते हैं आपकी लिब्रा, फोर ऑफ कप्स, आपकी करेंट फीलिंग्स। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि आप खुद दुखी हो, परेशान हो, आपके पास जो ऑप्शन है वो आपको पसंद नहीं है या फिर आप उस ऑप्शन को चाह नहीं रहे हो, आप किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश में हो, नए ऑप्शन की तलाश में हो। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए और कुछ नहीं है, आप इसमें जल्दबाजी में जो आपका जो रिश्ता था वो जल्दबाजी में मुझे लगता है कुछ परेशानी आई थी रिश्ते में, लेकिन आप इस रिश्ते की प्रति आपका जो अट्रैक्शन है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आप में जो लगाव है रिश्ते के प्रति वो तो है लेकिन आप इस रिश्ते में कोई ठहराव नहीं देख रहे हो। आप रिश्ते से
आपको इस रिश्ते से अभी डर लगने लगा है कि रिश्ते में इतनी जल्दी जल्दी अचानक से इतना कुछ कैसे हो गया है, कितना जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया है, इतनी जल्दबाजी में रिश्ते शुरू भी हुए, रिश्ते ख़त्म भी हुए, रिश्ते अभी आप लोगों के पास ना उनके पास ना आपके पास, रिश्ते की शुरू करने को आप लोग अभी डर रहे हो, अभी रिस्क लेना आप चाहते हो, आप जल्दबाजी चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप पुराने पर्सन के साथ कोई रिस्क लेना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, नए ऑप्शन की तरफ आपकी तलाश है, आप लाइफ में भी नया करना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन जिस रिश्ते में ठहराव नहीं है आप उस रिश्ते में जाना नहीं चाहते हो। अभी अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाना भी चाहते हो, कभी कभी आप कुछ पर्सनल नीड्स के कारण आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हो, लेकिन आप कोई रिश्ते की गहराई तक जाना नहीं चाहते हो और आप लॉन्ग टर्म्स के कोई रिश्ते में आप फिलहाल के लिए जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप पुराने रिश्ते से परेशान हो लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है, और आप अभी नए रिश्ते के तलाश में हो, बेटर ऑप्शन की तलाश में हो, क्योंकि आपको लगता है जो पुरानी चीज़ें थी आप लोगों के रिश्ते में वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इस तरह की 72 घंटे की फीलिंग्स आपकी मन में रहेगी कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। अगर अभी आप किसी के साथ रिश्ते में जाते हो तो आप पर्सनल नीड्स के कारण जाओगे, हो सकता है आपका फिजिकल नीड्स हो सकता है आपका फिनेंशियल नीड्स हो, लेकिन आप प्यार के लिए अभी किसी के तरफ जाने के लिए राज़ी नहीं हो, आप किसी बेटर ऑप्शन की तलाश में हो। अभी देखते हैं क्या इन 72 घंटे में आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। 10 of Swords नो, 3 of Coins नो, King of Wands। अगर मैं कहूँ इन 72 घंटे में क्या वो कोई एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया है, आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए अभी वो अपने पावर में है, अपनी पोजीशन में है, उनको लगा कि रिश्ते से निकल जाना ही अच्छा है और अभी वो खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को एक मुकाम पे ले जाना चाहते हैं और किसी भी कारण से वो रिश्ते में अभी इन 72 घंटे में कोई शुरुआत करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है अगर रिश्ते को सही करना पड़ेगा तो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, लोगों की मदद से आप लोगों का रिश्ता सही हो सकता है, लेकिन इन 72 घंटे में वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। और उनको ये भी लगता है कि किसी के कारण, लोगों के कारण आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपने उनको धोखा दिया है, उन्होंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा धोखा आपने उनको दिया है, जिसके कारण वो दुखी है, वो परेशान है। अगर मैं कहूँ इन 72 घंटे में क्या वो कोई एक्शन लेंगे, कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज बात कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कार्ड के अनुसार ऐसा मुझे लगता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं इन 72 घंटे में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Cups। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहे हैं लिब्रा कि अगर आप अकेले हो तो अकेला खुश रहना सीखिए, जो चीज़ आपके काम के नहीं है, चाहे वो रिश्ता हो, इंसान हो, जॉब हो, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं रिश्ते के बारे में ही कहूँगी, जो रिश्ता आपके लिए कोई खुशी नहीं देता हो, आपका काम का नहीं हो, जिसमें आपको परेशानी मिलता हो, उस रिश्ते में जाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी लाइफ से काट कर फेंकिए, उसको अलग कर दीजिए, अकेला खुश रहना सीखिए। अकेला है तो क्या है, आपके पास सब कुछ है, ऐसा सोच के खुश रहना सीखिए। और आपको नई शुरुआत की सलाह भी है, अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, लेकिन उसका शुरुआत आपको दोस्ती से करना पड़ेगा और आपको किसी नए
काम में नए दोस्तों में इन्वॉल्व होना है, अपने आप को खुश रखना है, बेकार की चीज़ों से बाहर निकलना है। खुद को इतना स्टेबल इतना काबिल बनाइए कि कोई आपसे कुछ भी ना कह पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।